Partition? The Congress will never agree to partition. Why would they agree to parity between themselves and the Muslim League in the interim government? And why would they not agree to have any Muslim members on behalf of Congress? How can one quarter of the population be given half the population's seats in the cabinet? अगर हमने कैबिनेट मिशन की सरकार में शामिल होने की तजवीज नहीं मानी तो न सिर्फ हमें सरकार से बाहर बैठना पड़ेगा बल्कि यह मुमकिन है कि अंग्रेज हमें दोबारा जेल में डाल दें। अब इससे बेहतर यह है कि हम उनकी इतनी सी बात मान लें कि हमारी भेजी काबीना की फहरिस्त में किसी मुसलमान का नाम न हो। खुद अपना नाम कटवाने की तरकीब बता रहे हैं आप तो मौलाना। सरदार, मुल्क किसी भी शख्स से बहुत बड़ा होता है और किसी भी मिल्लत से भी। मैं मौलाना की बात समझ सकता हूं। अगर हमने सरकार में आने का ये मौका हाथ से जाने दिया तो यकीनन मुस्लिम लीग और खास तौर से जिन्ना साहब इस बात का नाजायज फायदा उठाएंगे। बापू, आपका क्या कहना है? मैं किसी फायदे या नुकसान की बात नहीं जानता। मैं वही बोलूंगा जो मेरी आत्मा का कहना है। और मेरा मानना यह है कि जिना साहब के डर से या सरकार में शामिल होने की जल्दबाजी में अगर हमने कांग्रेस की सूची से मुस्लिम भाइयों के नाम काट दिए तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? जिना साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता हो सकते हैं पर आप लोग तो सिर्फ हिंदुओं के रहनुमा नहीं है ना? बापू आपने सही फरमाया मगर क्रिप्स और उनके साथी अभी रुकने वाले नहीं है और अगर सरकार में शामिल होने के लिए हमें मुसलमानों को अपनी काबीना से खारिज करना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है और मेरा ऐसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं हो सकता है। अगर आप लोग सरकार संभालने के लिए इतने उतावले हैं तो बनाइए आप सरकार। मैं दिल्ली छोड़कर जा रहा हूं। बापू, हम आपकी बात समझते हैं पर अगर इस समय उन्हें फौरन जवाब नहीं दिया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर यही आप सबका फैसला है तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मुझे अंग्रेजों की नीयत सही नहीं लगती पर मेरी बात ही सही है इसका कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं इजाजत चाहूंगा। तो अब हम बापू को जाने दें? प्यारे लाल,